खरगोन जिले की पंचायतों में आर्थिक अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, जहां ग्राम बलकवाड़ा के ग्रामीणों ने मनरेगा और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए जांच की मांग की है। साथ ही आरोप है कि 15वां वित्त के लगभग 50 लाख के बिल फर्जी हैं, जिसमें अनदेखी के कारण मनमानी बढ़ती जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने मामले की जाँच कर कार्रवाई की मांग की है। वर्ष 2022 से 26 माह हो चुके, अभी शांतिलाल पटेल सचिव ने आज तक ग्राम सभा में कोई आय व्यय का ब्यौरा नहीं बताया। हिसाब बताते सरपंच गाली गलौज करता है और कम से कम 50 लाख के फर्जी मास्टर और बिल लगा के राशि हड़प रहे हैं और कोई कह नहीं जाता, उनको दादागिरी बता झगड़ा करते हैं, मृतक लोगों के पैसे खा रहे हैं, कर्मचारियों के जाप कार्ड में पैसे डाल के खा रहे हैं और कम से कम 1 करोड़ के काम कागज पे मनरेगा के इन्होंने करे हैं, जो साइट पे कुछ भी नहीं है, फर्जी बिल लगा के पैसे निकाल रहे हैं। कैसे मालूम पड़ा है? ये हमने हिसाब पूछा मंत्री से, क्योंकि तो सरपंच से बात करो, ये दोनों तीन बैठे इनसे बात करी तो इन्होंने दादागिरी करी मेरे छोरे को और मेरे को गाली गलौज करी, क्योंकि तो तुम हिसाब मांगने वाले सरपंच होते कौन हो, मेरी मर्जी में यहाँ की सरकार में हूँ, यहाँ का सरपंच में हूँ, तुमको जहाँ शिकायत करना वहाँ चले जाओ।